राम राम भाई लोग, मैं उतारा भाई जीतू और तुम सब देख रहे हो जीतू बीट्स। और आज की वीडियो में भाई लोग अपन बनाने वाले हैं एक और बीट, या फिर मैं कहूँ कि एक और नई बीट नहीं बनाएंगे। पहले जो बीट बनाई थी अपन ने पिछली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो देखना पहले वो जाके, क्योंकि उसमें बीट बनाना स्टार्ट किया था। एक लिंक ऊपर कहीं पे आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां भी नहीं मिलता है तो फिर भाई चैनल पर जाके देख लेना। तो देखो, ये पहले वीडियो बनाई थी उसमें ये बीट बनाई थी, ये अपन ने क्या बनाई थी सबसे पहले सुनते हैं अपन। चलो सुनते हैं। तो एक लूप बनाया था, ये ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब पबजी टाइप गेम में कोई ऐसे मतलब सीरियस डार्क टाइप किसी ना मजा सा आ रहा है। तो ये है, इसको आज अपन इसमें कुछ और चीजें जोड़ेंगे, इसको और एडजस्टमेंट करेंगे। तो मैंने सोचा है चलो इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको पूरा एक सॉन्ग बनाने के अपन प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रयास करना बड़ा जरूरी है। अगर म्यूजिक प्रोडक्शन में प्रयास नहीं करोगे मेरे भाइयों तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो चलो करते हैं कुछ, और इसमें कोई एडिशन वेडिशन करके देखते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चरिंग करेंगे, है ना, और आगे इसमें वोकल्स जोड़ेंगे, पूरा एक इसको सॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा मैंने कर नहीं किया नहीं है। और क्यों नहीं किया मैंने, क्यों एक पूरा सॉन्ग नहीं बनाया, क्योंकि सॉन्ग बनाने में देखो जो लास्ट पोर्शन आता है ना, उसमें वोकल रिकॉर्ड करने का, उसमें प्रॉब्लम ये थी विंडोज में कि जब भी वोकल रिकॉर्ड करते थे तो जैसे ही माइक्रोफोन चालू करते ना, तो फिर स्क्रीन रिकॉर्डर जो है आवाज रिकॉर्ड करना बंद कर देता था। लेकिन अभी जो मैंने ये मैकबुक लिया, इसमें वो समस्या नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अपन वो पूरा एक स्टार्ट टू फिनिश सॉन्ग वाला काम कर सकें, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाली समस्या नहीं आएगी। तो चलो भाई लोग इसमें जोड़ते हैं कोई नई नई चीजें, और एकदम अनकट वीडियो रखूंगा, एकदम अनप्रोसेस रखूंगा, जितनी भी लंबी हो जाए मैं कुछ वो नहीं करूंगा, काटापिटी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस देख के ऐसे एक फीलिंग आए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम होता है, ठीक है ऐसे ऐसे करते हैं, ये एक भाई कर रहा है अपन भी कर सकते हैं। और हर बार देखो कोई भी जो बीट बनाते हैं ना, वो जरूरी नहीं उसका पूरा गाना बन ही पाए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज होती है इंस्पिरेशन आती है कुछ बनाते हैं, फिर आगे नहीं दिमाग में आ रहा होता, कुछ और बनाओ और बनाओ, बनाते रहो, ऐसे नहीं कि छोड़ देना है। हाँ फिर जो पहले बची हुई ना बहुत सारी हो जाएगी, जब ऐसे म्यूजिक प्रोडक्शन थोड़ा सीख जाओगे ना तो ऐसे होगा कि लूप बने हुए रह जाएंगे, जैसे ये लूप बना लिया अपने, ये पड़े रह जाएंगे, फिर इनको सेव करते रहोगे, फिर दूसरा नया बना लोगे, फिर पीछे वाले पूरे नहीं करते अपन, तो उनको फिनिश भी करना है फिर, है ना, जो पहले वाले पड़े भाई लोग उन पे फिर से आओ और उनमें और कुछ जोड़ तोड़ के फिर उसका स्ट्रक्चर बना के जितना बन गया उतना ठीक है, और उसको एक सॉन्ग बनाने की कोशिश करो, बन जाता है। तो चलो अब इसमें देखते हैं अपन क्या जोड़ सकते हैं, इसमें किस चीज की कमी लग रही है। इसमें एक लीड जोड़ सकता हूं मैं ना, तो चलो फ्लेक्स ही जोड़ लेते अपना, फ्लेक्स 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 में अपने पास में पियानो है, तो स्ट्रिंग्स देखूं, स्ट्रिंग्स में देखते हैं इसमें क्या है। नहीं ये वाली नीचे, ना ना ये भी नीचे, मुझे अच्छी लगी। चलो अपन देखते हैं कौन सा इसका की भी क्या थी, कुछ की का कुछ बताएगा, चलो जो भी जुड़ता रहेगा वो करेंगे। ऊपर 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 यहाँ पे आता है, ओके समझ गया मैं। चलो देखते हैं कुछ जुड़ जाए तो अपने पास में, ये अपन ने स्ट्रिंग लिए, देखते हैं इसमें, इसका थोड़ा सा साइज छोटा करता हूं मैं, ज्यादा बड़ा हो गया, एक बड़ा 4 कर लेते हैं। ये वाला आएगा ऊपर वाला, टन 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 पाँ 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 पाँ। मस्त है, मस्त। इसी के साथ ये सारी चीजें अपन एक लूप बनाएंगे पहले, फिर स्ट्रक्चर जब इसको करेंगे ना भाइयों, तो स्ट्रक्चर में अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह लाएंगे जिससे थोड़ा वेरिएशन मिल सके। लेकिन अभी तो अपन सिर्फ देख रहे हैं कि चलो कोई चीज सेट हो रही थी उसको सेट कर दे एक बार, है ना, एक बार दीवान जाने लगा। ये सेम चीज इसके साथ लेयर करता हूँ मैं, जो अपन ने स्ट्रिंग ली थी वही वाली चीज प्लक में डाल के देखते हैं। थोड़ा प्लक जो है मेरे ख्याल से हाई है, थोड़ा इनकी आवाज जो है ऊंची है। डार्क देखो ऊपर नीचे करने से एक और फायदा हो जाता है, जैसे ये है
फाइव में है ना, डी फाइव है और ये है हमारा डी फोर, तो ईक्यू करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, सेपरेशन अपने आप हो जाए क्योंकि ये एक लोअर ऑक्टेव में वो हायर ऑक्टेव में, लेकिन दोनों को एक ही ऑक्टेव रखें तो एक दूसरे से क्लैश करेंगे, ठीक से सुनाई नहीं देंगे, ईक्यू में माथा फोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उससे बचने के लिए ऑक्टेव भी चेंज करके देख सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो क्या है, वो है मुझे ये जो ये वाला मुझे अच्छा लगा, इसके साथ में ये वाली स्ट्रिंग्स को जो है लेयर करना चाहिए। चलो आ आ देखते हैं कुछ यही। चलो देखते हैं। ये थोड़ा साउंड जो है सेट नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा एक ऐसा साउंड चाहिए जो कि अलग से निकलता दिखे। हाँ ये वाला भी नहीं सेट हुआ क्या ये? चलो इसको भी लेयर ले लेते हैं क्योंकि आगे जब हम कोरस वोरस कुछ बनाएंगे तो उसमें अपने को थोड़ा सा इफेक्ट देने के, थोड़ा सा सुनने वाले को थोड़ा अलग चीज लगे। पा, पा, पा। पा, 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 है ना इस तरीके से, तो ये सारी लेयरिंग वेयरिंग हो रही है, वही लूप चल रहा है, उसी लूप को हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके इसके साथ अपन इसमें कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि क्लोन करके इसमें गिटार डालना चाहे गिटार भी डाल सकते हैं। गिटार हमारे पास यहाँ पे रॉक गिटार टाइप की ना, मेटल ये वाली, देखो ये देखो इसको इतना लेंगे पूरा, एकदम पूरा लंबा नोट इसका, और आवाज इसकी कम लगे। कहीं ना कहीं हर चीज अपना एक इफेक्ट दे रही है, सारे साथ मिल जाएंगे लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग को चालू करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गिटार चली सब कुछ वहीं चलेगा, नहीं, जो स्ट्रक्चर करेंगे ना हम, जब इसमें इंट्रो देंगे फिर इसमें जो है कोरस देंगे वर्स देंगे, तो उसमें अलग अलग एलिमेंट को आने देंगे, अलग अलग एलिमेंट को जाने देंगे, जो अच्छा लगेगा एलिमेंट उसको रखेंगे, जो नहीं अच्छा लगेगा उसको नहीं रखेंगे। ओके तो और कुछ देखेगा, देख लो। ओ भाई नहीं, ये नीचे हमको हमको और क्या चाहिए, और कोई इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, 3XO और साइट्रस इस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। चलो रिप्लेस करते हैं, कितने फ्लेक्स को ही थोड़ी करते रहेंगे भाई लोगों, और भी इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं फर्स्ट स्टूडियो में, जैसे GMS देख सकते हो अपने, GMS ऐसा कोई अपन ने प्राइवेट पैटर्न बनाया नहीं ना अभी तक ऐसा, टू 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 है ना, इस तरीके नहीं बनाया, टू रुक भाई इतना रखेंगे, टू 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 हाँ ये बात। चलो ये वाला अपना पैटर्न होगा सेट, इसको यहाँ पे किया क्योंकि ये भी एक वॉइस है जो अलग साउंड कर रही है। बहुत बढ़िया, आवाज़ थोड़ी कम कर देते हैं इसकी, और देखते हैं GMS में कुछ है क्या। इतने इतने सारे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि वेरिएशन देना चाहता हूँ मैं, कोई वेरिएशन के लिए आपके पास सामान होएगा तभी तो डरेंगे ना भाई, ऐसे कैसे देंगे। चलो देखते हैं, बेस बास है यहाँ पे, विंड लेब है, और भी कई सारी चीज़ें अपने पास में, पैड एंड टेक्सचर है, लीड एंड सिंथ है।
नहीं, डार्क ही चाहिए मुझे, डार्क टाइप कुछ। मजा नहीं आया। वाह यार ये अच्छी लगी मुझे। ऐसा हमने लिया ना कहीं पे, ये वाला पैटर्न है, ये वाला, इसको कॉपी करके पेस्ट मारेंगे यहाँ पे। चलो ये सुनाई क्यों नहीं दिया वैसा जैसा मैं साउंड कर रहा चाह रहा हूँ। चलो ये तो हो गया अपना सारा हिसाब किताब। अब देखो पैटर्न कैसे बनाएंगे, कैसे इसका प्लेलिस्ट में अरेंजमेंट करेंगे और कैसे बाकी चीज़ें करेंगे, तो इसके लिए रूल्स है कुछ, है ना। मैंने सारी चीज़ें बताई भी है, कोर्स जो बनाया उसमें सब कुछ बताया हुआ, कोर्स का लिंक दिया नीचे अगर देखना चाहो देख लेना। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में अपने को यहाँ पे उसका जो है स्ट्रक्चर करना होता है, सॉन्ग का स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर में का मतलब क्या होता है, देखो सीधी सी बात ही बताता हूँ मैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि ये चलता रहेगा, अब सही बज रहा है सुना। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है लेकिन शुरू से लास्ट तक अगर कोई सॉन्ग को हम मान के चलें कि भाई कोई सॉन्ग जो होता है वो कम से कम 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट का होता है, तो 2-2.5 मिनट यही ये चीज, यही ये चीज, यही ये चीज रिपीट होती रहेगी मेरे भाइयों, तो कौन सुनना चाहेगा। तुम मेरे को बताओ कौन सुनना चाहेगा अपना गाना, कोई नहीं सुनेगा, छोड़ के भाग जाएंगे लोग। तो सॉन्ग स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि लिसनर को थोड़ा सा इंगेज रखे, इंगेज का मतलब समझते हो, उसको थोड़ा मतलब इसमें इंटरेस्ट जगा हुआ रहे। तो इंटरेस्ट कब रहेगा कि जब थोड़ी थोड़ी देर में कोई कोई चीजें आती रहेगी, कोई कोई चीजें जाती रहेगी, ऐसे मतलब बदलते रहेंगे ना इंस्ट्रूमेंट, चाहे सेम नोट को प्ले कर रहे हो। जैसे देखो हमने ये सारे ये 3 सेम नोट लिए, फिर ये वाला से नोट सेम है, ये वाला नोट सेम है, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, ये सेम है। तो इस तरीके की चीज़ें हम जब खूब सारे इंस्ट्रूमेंट से सेम नोट को बदल बदल के बजाएंगे तो लिसनर को थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना। कहीं पर ड्रम को चालू करें, कहीं पर ड्रम को बंद करें, ऐसा करते रहेंगे तो भी इंटरेस्ट रहेगा। तो इसीलिए सॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। सॉन्ग स्ट्रक्चर का एक रूल है जो मैंने बताया, मैं वहाँ पे कोर्स में यहाँ भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे कि हमको पहले तो लेना होगा इंट्रो, ठीक है। इंट्रो के बाद में हम कोरस ले सकते हैं, कोरस या फिर वर्स ले सकते हैं। आजकल जो है इस हिसाब किताब जो चल रहा है वो चल रहा है कि इंट्रो, इंट्रो के बाद में डायरेक्ट वर्स में कूद जाते हैं लोग, या फिर कोरस भी ले सकते हो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो 4 बार का इंट्रो लेना, ठीक है। लेकिन वो सब कुछ लेने से पहले एक चीज़ करना करेंगे, क्या करेंगे कि ये पैटर्न जो है ना इसको स्प्लिट करेंगे हम। तो पैटर्न में आ गए हम, ठीक है, ये पैटर्न में आ गए हम, और इसको यहाँ पे देखो स्प्लिट बाय चैनल लिखा हुआ ना, स्प्लिट बाय चैनल कर देंगे। अभी इसको कर देंगे डिलीट। क्यों भाई डिलीट क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये अब अलग अलग पैटर्न बन गए हर चीज़ के। तो हम यहाँ पे ड्रम आ गया है ना, और प्लस दबाते रहो, और अलग मतलब कीबोर्ड हो तो प्लस दबाते रहोगे ना तो अलग पैटर्न चलता रहेगा। देखो हर पैटर्न अब अलग हो चुका है, हाई हैट अलग हो चुकी है, परकसन अलग हो चुका है, दूसरा परकसन अलग हो चुका है, ये एक और परकसन ये भी अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है। तो इन सबको अपन पेस्ट करेंगे धीरे 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 धीरे। ये टाइम जो है ना ये मजदूरी का सा काम है पर करना पड़ता है, क्या करें भाई बताओ, कोई इलाज है नहीं ना, ये चीज़ें तो करनी पड़ेगी। हो गया अच्छा। तो हर एक पैटर्न को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, ये भी हमने कर दिया। इस पे ना मैं जब सॉन्ग पे इस पे वोकल रिकॉर्ड करूंगा ना उसके बाद भी हो सकता है हम पैटर्न चेंज कर दे। देखो कोई भी गाना है ना एक बार में फाइनल नहीं हो जाता। जैसे आप सोचो कि ये इंस्ट्रूमेंट डाल दिए फाइनल हो गया, नहीं। अब मान लो इसे वोकल रिकॉर्ड करेंगे, फिर वोकल रिकॉर्ड करने के बाद कोई अलग फील आती है, फिर अलग इंस्ट्रूमेंट ऐड हो जाएंगे, हर लास्ट स्टेज तक बदलती रहती है चीज़ें भाई मेरे, लास्ट स्टेज तक। तो ऐसा तो मत समझना कभी फाइनल कुछ हो जाता है, फाइनल कभी कुछ नहीं होता है ना। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। ये देखो ये सारे पैटर्न हैं हमारे जो हमने यहाँ पे पेस्ट किए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इनको कंट्रोल ए दबाएंगे, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और कंट्रोल बी बी बी, कितने कितने हो गए, 4 हो गए ना, 4 बार हो गए, ठीक है। फिर से कंट्रोल ए दबाएंगे, बी बी बी, कितने हो गए, अब 4 चौक 16 बार हो गए ना। तो अपने को गिनती करनी है, तो अपने 4 1 2 3 4, 4 जो है कितना है अपना 96 है ना, तो ठीक है 8 बार तक तो अपन ले लेंगे इंट्रो। जैसे आठ बार तक तो इंट्रो हो गया, यहाँ तक तो इंट्रो हो जाएगा, है ना। तो इंट्रो के यहाँ तक 8 बार तक, ठीक है। उसके बाद में अपना 8 बार 16 बार का कोरस आ जाएगा, 32 बार का वर्स आ जाएगा, ये ले सकते हो, या फिर 4 बार का इंट्रो ले सकते हो, 8 बार का कोरस ले सकते हो, 8 बार का कोरस यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद में 16 बार, कितना कर लिया मैंने यहाँ पे देखो, 4 बार का इंट्रो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार का ये ले लिया, ठीक है। और उसके बाद में 16 बार लेने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 बार का अपन ने ले लिया क्या वर्स ले लिया। उसके बाद में 2 2 4 2 6 2 8, 8 बार का फिर से कोरस ले लिया, और फिर
हमारा वर्ष आएगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे आउटर हो जाएगा 4 बार का, तो मतलब कि अपने 57 तक पहुँच जाएंगे, है ना, 57 तक। चलो कंट्रोल ए दबाओ, कंट्रोल बी, तो ये लो भाई पहुँच गए। ठीक है, अब करते हैं अपन हिसाब किताब कुछ अपना यहाँ पे सेट। तो कोरस और वर्स, और उसके बाद में इंसर्ट कुछ करूँ मैं, इंसर्ट एक म्यूट ट्रैक कर देता हूँ ऊपर। कोरस इंट्रो, इंट्रो के बाद में कोरस, कोरस के बाद में वर्स, वर्स के बाद में कोरस, कोरस के बाद में फिर से वर्स, और उसके बाद में आउट्रो। यानी 2 वर्स देंगे, 2 कोरस देंगे, 1 इंट्रो देंगे और 1 आउट्रो देंगे, इस तरीके का काम होगा। ठीक है, और जो है काम में कुछ लेना चाहो, मतलब यहाँ पे वो लगाना चाहो, मार्कर भी लगा सकते हो इनमें। देखो टाइम मार्कर लिखा हुआ है एड वन, है ना, तो अब जैसे पता करें कि यहाँ तक कोरस होनी चाहिए, यहाँ पे इंट्रो चालू होगा, जैसे मैंने बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 9 पे अपने को वो चालू करना है, क्या क्या चालू करना है भाई, 9 पे अपने को चालू करना है वो क्या चालू करना है भाई, 9 पे चालू करना है अपने को, यार मेरे दिमाग से निकल गई, क्या बोल रहा था मैं, कोरस, कोरस बोला था ना मैंने, वर्स थोड़ी बोला था, कोरस बोला था, क्योंकि इस गाने को अपन फर्स्ट कोरस लेंगे, बाकी गानों में वर्स भी ले सकते हो, ऐड वन कर देंगे मार्कर, यहाँ पे अपन कोरस लिख देते हैं। नींद नहीं आई आज मेरे को, तो मेरा वो रहा है ना, तो यहाँ से कोरस चालू होगा अपना। अब कोरस 8 बार का होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 नंबर पर यहाँ से अपना वर्स चालू होगा। तो चलो भाई टाइम मार्कर देखो, टाइम मार्कर शॉर्टकट भी है, ऑप्शन टी, है ना, ये क्या मैक और उसमें विंडोज़ में दोनों में काम रहता हूँ मैं, शॉर्टकट में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता हूँ, कन्फ्यूज जा जाता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्स। ठीक है, फिर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, मैं गिनने दो यार थोड़ा सा ठीक से, हाँ अभी ठीक से गिने जाएंगे, 2, ये 4 हो गए, ये 4 8 हो गए, मतलब ये देखो एक ये कलर कलर का थोड़ा सा अलग अलग दिया है ना, देखो ये थोड़ा डार्क है थोड़ा लाइट है, ये इसलिए दिया हुआ था गिनने में दिक्कत ना हो, तो 4 बार का एक कलर है, तो एक अपने को 16 बार चाहिए, तो अपने को 4 कलर गिनने हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे अपना वापिस से क्या आएगा, ऑप्शन प्लस टी, यहाँ पे अपना जाएगा कोरस। अब ये टाइम मार्कर की समस्या है, हो गया, अब फिर से 8 बार का कोरस देना है, तो 1, 2 यहाँ पे गिनेंगे, फिर यहाँ पे वापस से वर्स आ जाएगा ना, ऑप्शन प्लस टी। ऑप्शन का मेरे ख्याल से विंडोज में ऑल्ट होगा शायद, है ना, ऑल्ट प्लस टी दबाओगे तो मार्कर लग जाएंगे, तो यहाँ पे अपने को वर्स 2 डालना है, वर्स 2, और फिर ये 1, 2, 3, 4 यहाँ तक खत्म होगा, फिर यहाँ पे ऑप्शन प्लस टी आउटरो। ठीक है आउटरो, और यहाँ पे मैंने इंट्रो लिखा था क्या, लिख दो, वैसे तो जरूरी नहीं है लिखना क्योंकि पता है स्टार्ट में तो इंट्रो ही होगा, इंट्रो। ओके इंट्रो मैंने कितना दे दिया, 8 बार का दे दिया क्या, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आउटरो हो गया, आउटरो अपना होगा 1, 2, यहाँ आउटरो हो गया, ठीक है ये सॉन्ग यहाँ पे खत्म। तो इस तरीके से करना है। अब इंट्रो में क्या करेंगे, इंट्रो में मिनिमम चीज़ें रखेंगे, इंट्रो में मिनिमम चीज़ें रखेंगे, तो अभी के लिए अपन एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगली वीडियो में जो है इसका वो देखेंगे अपन कि कैसे अपन इसका सॉन्ग स्ट्रक्चर करेंगे और कैसे इसको इंट्रो आउटरो बाकी चीज़ें हटाएंगे घटाएंगे, और फिर मिक्सिंग, मिक्सिंग भी तो बाकी चल रही है ना इसकी, थोड़ी बहुत की है मिक्सिंग, थोड़ी बहुत बाकी चल रही है, तो मिक्सिंग करेंगे अगली में, और उसके अगली में फिर अपन वोकल्स डालेंगे इस पर, मैं एक लाइव रखने की कोशिश कर रहा हूँ, कमेंट करके बताना क्या सोच क्या विचार है भाई लोगों तुम्हारा सबका, कि एक लाइव अपन इसमें रखते हैं और फिर इसको सुनते हैं, और उस पर फिर तुम लोग मेरे को कमेंट करके लाइव में बताओगे लिरिक्स, और अपन साथ मिलकर एक लिरिक्स लिखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये गाना अपन ने सबने मिलकर बनाया, तो क्या क्या विचार है बताना कमेंट करके। ठीक है वाला, तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अभी मैं सारा काम इसमें करूंगा, तो अगली वीडियो में हम करेंगे इसकी स्ट्रक्चरिंग, ये मैंने सारे जो मार्क डाले हैं इनके हिसाब से, और फिर उसको हम जो है मिक्स करेंगे और फिर उस पर वोकल लिखेंगे, फिर वोकल मिक्सिंग करेंगे, पूरा एक सॉन्ग बनाने की इसको कोशिश करेंगे, और बाकी कुछ जोड़ना घटाना होगा तो आगे चलता रहेगा, जैसे जैसे चलेगा तो एक फील आए कि हाँ पूरा सॉन्ग कैसे बनता है, मैंने सोचा था ये प्रोजेक्ट करूंगा मैं, और अभी जो मैकबुक में ये समस्या नहीं होगी कि वो जब वोकल रिकॉर्ड करते हैं तो बंद नहीं होगा, तो काम भी हो जाएगा। तो वाला आज की वीडियो में इतना ही, और जैसे मैं कहता हूँ बीट में आते रहो, मजे करते रहो, FL Studio कोर्स का लिंक दिया हुआ नीचे, अगर स्ट्रक्चर रूप में पूरा कोर्स देखना चाहते हो तो वहां जाके देख सकते हो, चलता हूँ।